हेलो दोस्तों, आपके दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बंसल स्टडी अ गेट वे लर्निंग में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक पार्ट पढ़ चुके हैं, यानी कि यूनिट 8 का एक पार्ट पढ़ चुके हैं और आज यूनिट 8 के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस। और इससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उसे बेस्ट क्वेश्चन में खत्म करवाऊंगा। तो लास्ट क्लास में मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो ये क्या दिया होगा क्वेश्चन नंबर 7, 22 की पावर 31 प्लस 46 की पावर 34 माइनस 28 की पावर 29। हमें ज्ञात करना है कि यूनिट 8 क्या होगा। इन सभी क्वेश्चंस में हमें पता करना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाइक अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैंने करना क्या होगा कि 2 दिया हुआ है तो इसमें लगाएंगे 4 का भाग लगाएंगे तो 4 7 होता है 28, तो 2 की पावर बचेगा 3। उसके बाद मैंने बताया था किसी भी संख्या का, यानी आधार में 0 1 5 6 हो तो इकाई अंक क्या रहता है, वही रहता है, नो चेंज। तो क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। और 8 दिया हुआ है तो 4 का भाग लगाएंगे तो 8 की पावर 1 बचेगा। ये हो गया 8 + 6 माइनस का 8 कट गया तो इकाई अंक कितना हो गया दोस्त, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इकाई अंक जो आएगा वो आपका 6 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस की हम इस क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 96 32 79 और 10। देखो सबसे पहले करना क्या होगा कि सबसे पहले देख लो कि 0 1 5 6 तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, तो हम 4 का भाग लगाएंगे तो 7 की पावर बचेगा 3, क्योंकि 4 7 28 होता है, 28 से 3 जो 31 होता है, तो क्या आता है 3 आ गया। अब 6 की पावर कोई भी हो 6 ही रहेगा माइनस। अब देखो मैंने बताया था कि 9 की पावर यदि इवन है एक आएगा, 9 की पावर यदि ऑड है तो 9 आएगा, तो 9 की पावर इवन है तो 9 आएगा। 7 की पावर 3 कितना होता है 343, यानी कि 3 आएगा। ये 6 माइनस का 9, ये 9 माइनस का 9 कितना होता है 0 हो जाएगा ना 0। आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, आराम से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 23 की पावर 51 प्लस 32 की पावर 15 प्लस, सॉरी माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, और 58 की पावर 16 दिया हुआ है। क्या करना है, इसमें 4 का भाग लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 4 का भाग लगाएंगे तो 48 यानी 3 बचा, 2 की पावर 4 है 15 है तो 12 लगाओ, 2 की पावर 3 बचेगा माइनस 8 की पावर 16 है तो ये 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 0। 4 का भाग लगाने पर रिमाइंडर बचता है 0, और जब रिमाइंडर 0 बचता है, क्या जब रिमाइंडर 0 बचता है तो एक 8 की पावर यानी संख्या की पावर हम 4 रखते हैं, 0 नहीं रखते। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 7 को लगाएंगे ये हो गया 8, तो 8 की पावर 4, 8 की पावर 2 64 × 64, 4 × 16 कितना आ गया 6 आ गया, 8 7 15 6 गया तो 9 हो जाएगा ये अंक। क्लियर हो रहा क्वेश्चन, 9 हो जाएगा ना क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन बन रहा है 3 4 5 की पावर 31 प्लस 304 की पावर 72 और डिवाइड बाई 336। अब देखो अब ये न्यू टाइप है क्वेश्चन का, ये न्यू टाइप आ गया है। अब क्या करेंगे न्यू टाइप में कि सबसे पहला पॉइंट यही कि इसको हम सॉल्व करें, 5 की पावर कितनी भी हो तो 5 ही रहेगा, 4 की पावर में भाग लगाएंगे 4 का तो कितना आएगा 0 बचेगा रिमाइंडर, तो 0 बचता है तो 4 की पावर कितना होता है 4 होता है, कितना दिया 336। 5 4 की पावर कितना होता है, कितना होता है 6 हो जाएगा इकाई अंक, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इकाई अंक, और 336 में डिवाइड लगाएंगे 4 का
अब एक चीज देखो चलो ठीक है इसे छोड़ो, इधर ही रखा हमने तो 6 5 11 हो गया, 11 1 3 3 6 यानी कि अब एक की पावर कितनी भी दी जाए, एक की पावर कितनी भी दी जाए हमारा इकाई अंक एक ही निकल कर आता है। कितना आएगा इसका इकाई अंक है वो एक ही निकल कर आएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फैक्टोरियल के अंदर बनते हैं, क्या होते हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे बनते हैं जो फैक्टोरियल के अंदर ही बनते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा 11 में लिखता हूं क्वेश्चन नंबर, तो 39 की पावर 23 और ये दिया फैक्टोरियल, कितना दिया 23 दिया है और दिया फैक्टोरियल। तो माय डियर क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले मैं बता दूं फैक्टोरियल में क्या करना होता है। फैक्टोरियल के अंदर हमें ये पता है कि मान लो 23 को फैक्टोरियल हम खोलेंगे, 23 का यदि हम फैक्टोरियल खोलेंगे कैसे खोलो, 23 22 21 20 और कहां तक जाएगा, एक तक जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब करना क्या है, वही प्रोसीजर है कि इस वाले पूरे पार्ट में यदि हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे तो 4 का भाग जो जाता है इसमें आएगा 4 5 20 यानी कि रिमाइंडर बचेगा 0। पूरा पूरा भाग जा रहा है यानी कि 4 का 20 में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो रिमाइंडर बचेगा 0 और जहां भी 0 बचता है तो वहां रिमाइंडर 0 नहीं रखते, क्या रखते हैं 4 रखते हैं, 4 रखते हैं। तो क्या होगा इस 9 की पावर 4 रखेंगे और इससे पहले मैंने बताया है कि 9 की पावर यदि इवन है और 9 की पावर यदि ऑड है तो क्या 1 आएगा और ये 9 रहेगा, बताया पहले हमने ये बताया ना। तो 9 की पावर यदि इवन है तो इकाई अंक क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। ठीक है, अब ये कहोगे कि सर आपने इसी भाग दे दिया, बाकी पार्ट में तो भाग दिया नहीं। ये रियल है कि जैसे मान लीजिए हम प्रूफ कर लेते हैं, हमने क्या किया कि फैक्टोरियल 4 को ओपन किया, फैक्टोरियल 4 को ओपन किया, मान लो क्वेश्चन में लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 12 वाला कि 37 की पावर, मान लीजिए 32 की पावर आपको फैक्टोरियल 4 दिया हुआ है, कितना दिया फैक्टोरियल 4 दिया हुआ है। अब इसको यदि आप ओपन करोगे तो 4 3 2 और 1 हमने क्या कहा इसमें 4 का भाग लगाते हैं, इससे कट गया ये तो रिमाइंडर कितना बचा 0 और जब 0 बचता है 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं। तो 2 की पावर 4 जो होगा कितना हो जाएगा 16, 2 कितना होगा कहिए 6 कहलाएगा। फैक्टोरियल वाले पार्ट को आप ऐसे खोल सकते हो, वही देखना है कि इसके बाद में एक संख्या ऐसी आएगी यानी कि 20 आएगी जिसमें 4 का भाग पूर्णतः जाता है तो वह 4 रख देते हैं, कितना 4 रख देते हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल लोगे। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मुझे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13 कि 1 3 2 1 की पावर 29 और फैक्टोरियल, वही प्रोसेस करना है कि 29 वाले फैक्टोरियल में आपको 4 का भाग लगाना है, किसका 4 का यदि भाग लगाएंगे तो 29 के बाद आपको पता है कि 28 भी आना है, इस प्रकार से जाएंगे इसमें भाग जाएगा तो 2 की पावर 4 होगा, कितना 2 की पावर यदि 4 होगा 16 होता है, 16 का यानी कितना होता है 6 होता है, कितना दिया है 6 दिया, सॉरी 1 दिया है ना, तो 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि कहेंगे यहाँ पे कितना 1 है, 1 की पावर 4 कितना होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के यदि हम बात करें तो ये दिया हुआ है कि 34 की पावर 34 प्लस 61 की पावर 61 की होल पावर दे रखा है 37 और फैक्टोरियल, 37 और फैक्टोरियल दे रखा है। तो माय डियर करना क्या होगा, इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा और 4 की पावर 2 होता है 16 और इकाई 6 आ गया, 1 की पावर कोई भी हो तो 1 ही रहता है, ये आ गया 37 फैक्टोरियल। अब क्या करें 6 और 1 कितना हो गया 7, 37 और फैक्टोरियल 37 के बाद, 37 के बाद यदि ऊपर करेंगे तो 36 आएगा और 36 में यदि हम 4 का डिवाइड लगाएंगे तो 0 आएगा और हम 0 लेते नहीं है इसीलिए 0 की जगह पर क्या रखेंगे 4 रखना रखना पड़ेगा। अब 7 की पावर 4 यानी कि 7 × 7
ये हमें करना पड़ेगा, 49 इकाई 9 नौ दिन कितना होता है 81, कितना आएगा 1 आ जाएगा। सबको क्लियर होना क्वेश्चन, सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। क्लियर हो, किसी को समस्या है तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। क्लियर, चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आगे वाला 50 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 42 की पावर 43 की पावर 31। अब देखो ये थोड़ा टाइप चेंज कर दिया हमने, है ना। अब क्या है, इकाई है कि जो पूछता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा टाइप चेंज कर दिया है। इसमें दोस्त करना क्या हुआ, अब देखा हुआ आपने कि पावर पे पावर लगी हुई है, इसके पावर में भी एक पावर लगी हुई है। अब करना क्या होगा कि सबसे पहला पॉइंट ये देखते हैं, जो भी पावर दे रखी है 43 और 31, तो इनमें से देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 4 का डिवाइड लगाए तो रिमाइंडर वन बचना चाहिए। कितना वन बचना चाहिए, तो मुझे पता है कि इसमें यदि मैं भाग लगाता हूं तो 4 भाग लगाऊंगा तो कितना बचेगा, 3 बच रहा है, तो 1 तो नहीं बच रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, 4 का हमें डिवाइड इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो 2 की पावर, तो यहां लिख देते हैं 2 की पावर 4 का भाग लगाएंगे तो 3 बचेगा, और 4 का भाग लगाएंगे तो 3 बचेगा। क्लियर, अब करना क्या होगा हमें, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है। अब इसमें 3 के 4 का भाग लगाएंगे कितना बचा, 3 और 2 की पावर 3 होता है 8। कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8। ऐसे हम क्वेश्चन निकालेंगे आगे वाला, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन निकालेंगे 56 की पावर 41 की पावर 42 की पावर 36। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बना दिया गया है ना, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है और बना दिया गया। मैंने कहा कि ये पावर्स है उनमें डिवाइड लगाने पर देखो कि वन रिमाइंडर कहां बचता है, है ना। यदि मान लो 41 में यदि 4 का डिवाइड लगाई जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब रिमाइंडर 1 बचता है तो इनसे हमें कोई भी मतलब नहीं रहता है, फिर कितना बचेगा, 1 बचता है, तो इन सारी पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 6 की पावर कितना हो गया 1, कितना आएगा आंसर इसका 6 आएगा। अब क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, अब आपके क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा कि किस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 102 की पावर 32 की पावर 33 की पावर 34। मैंने बताया कि करना क्या होता है क्वेश्चन में कि पावर में देखते हैं कि किसमें भाग लगाया जाए कि जहां पे रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो मुझे मैं मालूम पड़ रहा है कि 33 में यदि मैं 4 का डिवाइड लगाता हूं तो रिमाइंडर बचेगा 1। जब जिस पावर में रिमाइंडर बच गया, ऊपर वाली पावर का हमें कोई यूज नहीं करना है। अब देखते हैं इसी का यूज करना है हमें, इसका डिवाइड लगाया, ठीक है, फिर इसमें डिवाइड लगाएंगे तो करना क्या होगा, यहां देखते हैं नीचे 2 की पावर 4 का भाग लगाएंगे तो 0 बचता है, कितना बचेगा, 0 बचेगा रिमाइंडर, और 0 को लेते नहीं इसलिए क्या लेते हैं 4, तो 2 की पावर 4 हो गया। 4 का भाग लगाएंगे इसमें तो बचेगा रिमाइंडर 1, ठीक है, 2 की पावर 4 हो जाएगा, और कितना आएगा 6, यहां पे इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, 3 and 1/4 3 और 19.2 नहीं दशमलव दिया हुआ है 23। अब इसका मैं निकालना है इकाई अंक क्या होगा, इसका निकालना है इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्त एक अलग टाइप का ये क्वेश्चन है जो मैं आपको करने वाला हूं। अब ध्यान से समझना है, ये जो संख्या है 3 and 1/4 19.2 दिया हुआ है, इसमें क्या करते हैं, जो मैक्सिमम इंटीजर होता है, मैक्सिमम इंटीजर इसमें क्या 3 है, तो ये तो बटे में दिया हुआ पॉइंट की संख्या है, इसको लिखेंगे 3.25 होगा, इसको नहीं लेना है, जो मैक्सिमम इंटीजर होता है यानी कि 3, तो 3 की पावर कितना दिया है 3, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, सॉरी मैक्सिमम
इंटीजर्स 19 दिया हुआ है, 19 की पावर कितना हो गया 23, तो इसमें तो लगेगा नहीं चार का भाग, 3 3 9 3 27 7 हो गया, इसमें 4 का भाग लगाएंगे, जो 4 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 20 हो गया, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 9 की पावर कितना हो गया 3, तो 7 9 की पावर 3 कितना होता है, 9 की पावर मैंने बताया यदि और दिया हुआ है, कितना और दिया हुआ है तो इकाई अंक वही रहता है, सॉरी सेम रहेगा ना, वही रहता है, 9 हो गया 9 7 63 हो गया, 63 में इकाई अंक कितना आएगा, क्वेश्चन आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन देखे, अब इससे आगे वाली क्लास में इकाई अंक आपका ही फ्रेस होता है, अब कुछ क्वेश्चन अभी और रह गए इकाई अंक पाने के लिए, वो कौन से वाले जैसे मल्टीप्लीकेशन में आते हैं है ना, उन क्वेश्चन को भी करवाया जाएगा आपके, और इसके बाद में हम आपको करवाएंगे क्या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाग के नियम, और ये जो क्लासेज है अब ये ऑफ करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी, यदि एक लगता है तो लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।